के अंग संघ 24 घंटे घूमते रहते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को वहां पहुंचाना था, उन लोगों ने इसको हमें भी अंधेरे में रखा और हमारे से बेईमानी की है। उन लोगों ने श्राइन बोर्ड ने सब तो पहला जो घिनौना कार्य किया, जेड़ा सारी आस्था कने खिलवाड़ किया, श्राइन बोर्ड माता दी पिंडियां दे पिछे बेशकीमती मूर्तियां जड़ियां राजे महाराजे द्वारा चढ़ाई गई हैं, जड़ियां बेशकीमती मूर्तियां जिते डायमंड लगे ने सुन्ने दी मूर्तियां, वो सारियां ने सारियां मूर्तियां श्राइन बोर्ड दे ने अधिकारी हैं ओड़ा पकड़ूड़ियां खाऊड़ियां चोरी करूड़ियां। बड़े अच्छे विचार रखे ने, नौजवान ने सलिया दिया ने, नौजवान ने अपने मंदिर की संपत्ति गिड़प करने आस्ता, इस पैशन से भी मंदिर के खजाने की लुटने आस्ता गवर्नर जगमोहन ने बनाया और गोस्वामी ने बनाया। मैं आखना उन्हें हुक्मराने इन्हें गरीब पुजारियों की इन्हें गरीब बारीदारें दे हकू की खत्म करी है, और एक ऐसा ऐसा श्राइन बोर्ड रूपी नाग जेड़ा इतने बड़ा उड़िया जेड़ा के पट्टा की हड़प करता जा करता बारीदारे की हड़प करी बैठा, और अगला टारगेट जेड़ा उनके नौजवान। और मैं तुसी दसना चाहना मेरे साथियों, बारीदार समाज की है, बारीदार समाज श्रीधर दो बंशज जेड़े बाबा श्रीधर जिन्हें वैष्णो माता के सेवक रहे, जिन्हें वैष्णो माता के पुजारी है, उन्हें लोगों वैष्णो माता का प्रचार किया, और वैष्णो माता और रूपी एंटी हिंदू एंटी सनातन पैरूपीए ने वो श्रीधर का नाम मिटाने भरा। मैं तुसें दसना चाहना बारीदार वो लोग जेड़े बाबा श्रीधर के पंछज ने नहीं लगता है कोई कुछ अपने घर का या मंदिर चा कोई कुछ की बाहर करता है। गरीब बारीदार पिछले 1043 साल तो ज्यादा मिल रहा है, 275 270 है, तो अज जो 2035 छिकवा जरा हो 1036 साल का जो रेवन्यू का रिकॉर्ड है, उस बारीदार उसे बारी बारी पूजा करते हैं। मेरे नौजवानों की शायद ये पता नहीं है, मैं चाहते मेरे नौजवान ये जरूर नाले होना चाहिए कि अस बारीदार क्या बने। श्राइन बोर्ड ने 1986 को 30 अगस्त की आधी रात को 2 बजे हम बारीदारों को पुजारियों को वहां से आधी रात को इन्होंने हमें कमरे में बंद करके हमारे साथ मार पिटाई करके हमें बाहर से निकाला गया था। लेकिन अफसोस है मुझे एक बात का, 2014 की असेंबली इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री मोदी जी ने ये वादा किया था, लाखों लोगों के लिए स्टेज के ऊपर उन्होंने ये वादा किया।
किया था कि मैं इन गरीब बारीदार पुजारियों के लिए इनका कोई स्थाई हाल निकालेंगे हम। लेकिन अफसोस है आज 33 साल हो गए हैं, आज तक हमारा